तो आज की हमारी क्लास में हम बात कर रहे हैं इफ कंडीशंस, और इफ कंडीशन की हमारी ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने आपके साथ बातचीत किया था कि किस तरीके से इफ फॉर्मूला को हम यूज करते हैं, कैसे इफ के अंदर हम काम करते हैं। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। जैसे मेरे पास अगर मल्टीपल कंडीशन हो तो तब क्या करेंगे? जैसे मेरे पास यहाँ पे सेल्स के कुछ फिगर है जो कि आप देख पा रहे हैं। अब मुझे इसमें क्या करना है कि इंसेंटिव देना है। तो अगर मुझे मान लीजिए कि ग्रेटर देन 50 जितने भी है सबको मुझे अगर 800 रुपीज़ का इंसेंटिव देना है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला कि इफ, हमने लॉजिक सेलेक्ट किया मतलब कि सेल्स को सिलेक्ट किया और बोला सेल्स अगर ग्रेटर देन 50 है, ऐसा हुआ तो ट्रू पार्ट में मैंने 800 डाल दिया और फॉल्स पार्ट में हमने 0 डाल दिया। एंटर प्रेस करते हैं, आप देखिए आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा कि जहां जहां 50 से ऊपर थे वहां वहां 800 आ गया, जहां 50 से ऊपर नहीं थे वहां पे आपको 0 आ गया। ये तो सिंगल कंडीशन थी, इसलिए सिंगल कंडीशन पे आप दो रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स को दे सकते हैं। बट कंडीशंस हमारे पास दो से ज़्यादा हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि 50 to 80 वाले को 800 मिले, अदरवाइज 0 मिले। अब यहाँ पे कंडीशंस हमारा क्या हो गया, 50 to 80, इट मींस ग्रेटर देन 50 और लेस देन 80, ग्रेटर देन 50 और लेस देन 80। तो यहाँ हम देंगे फॉर्मूला इफ, हमने इसको सिलेक्ट किया कि अगर ए ग्रेटर देन 50 है, और फिर कॉमा किया, तो कॉमा तो नहीं कर सकते क्योंकि एक इफ में हम एक ही कंडीशन लगा सकते हैं, एक से ज़्यादा कंडीशंस में हम नहीं लगा सकते, क्योंकि एक से ए वन कंडीशंस वन रिजल्ट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि दो कंडीशन होगा कि ग्रेटर देन 50 और एंड लेस देन 80, दोनों होने चाहिए। तो हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस को करने के लिए एक फॉर्मूला है एंड का, AND, एंड। अब एंड फॉर्मूला में हमने यहां पे दिया कि ग्रेटर देन 50 या ग्रेटर देन इक्वल टू 50, इसको सेलेक्ट कीजिए लेस देन 50 या लेस देन इक्वल टू 80, सॉरी लेस देन इक्वल टू 80। हमने बोला कि A2 की वैल्यू क्या 50 से ज्यादा है और एंड 80 से कम है। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हुए तो रिजल्ट आएगा ट्रू, अदरवाइज आएगा फॉल्स। देखिए, लेकिन मुझे तो सर 800 और 0 चाहिए, तो एंड जो है एक से ज्यादा कंडीशंस को लेता है, उसको चेक करता है और रिजल्ट में ट्रू या फॉल्स देता है। और आपको ट्रू एंड फॉल्स को खुद का रिजल्ट बनाना है तो आप इफ फॉर्मूला ला लिए, आप एंड का रिजल्ट अगर ट्रू आया तो 800 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। एंटर प्रेस कीजिए और नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए, आपके सामने रिजल्ट रहेगा। तो एंड कब लगाते हैं ये समझ में आ गया आपको? जी, इसमें एक चीज पूछना था मुझे। हाँ पूछिए। जो ग्रेटर देन और इक्वल टू हमने लिखा है, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि इक्वल टू का साइन पहले और ग्रेटर देन का बाद में? नहीं, तरीका है, जो तरीका है उसी से लिखिएगा ना। अच्छा, इक्वल टू बाद में ही आएगा। ठीक है सर। और कोई डाउट? चलिए, हेलो, आवाज आ रही है सर मेरी? आ रही है लेकिन ब्रेक हो रही है, लग रहा है प्रॉब्लम है इंटरनेट का। इफ एरर वाला बताएंगे सर, इफ एरर में क्या होता है बताऊंगा ये? तो बताऊंगा, आने दीजिए, फिर आने तो दीजिए। तो यहां हमने किया, अब जैसे कि इन्होंने पूछा कि इफ एरर का बताइए। मान लीजिए
मेरे पास क्वांटिटी है और यहाँ पे मेरे पास रेट है, रेट नहीं अमाउंट है। मुझे यहाँ पे रेट निकालना है कि मान लीजिए 550 पीस जो है तकरीबन 650 रुपये में बिका है, 70 पीस मान लीजिए 900 में बिका है, तो रेट क्या होगा? तो जनरली रेट होता है अमाउंट डिवाइड बाई क्वांटिटी, यही होता है ना सर? हमने एंटर प्रेस कर दिया, यहाँ प्रेस कर दिया। अब मुझे इस, मैं चाहता हूँ कि मैं आगे एंट्री करता जाऊँ। इसमें देखिए डेसिमल्स भी आ रहे हैं, तो हमने यहाँ से इस पूरी फॉर्म, इसकी फॉर्मेटिंग को डेसिमल से हटा दिया हुआ है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि मैं यहाँ पे यहाँ पे टाइप करूँगा, यहाँ टाइप करूँगा और फिर इस फॉर्मूले को कॉपी करके पेस्ट करूँगा, देन रिजल्ट आएगा क्या सर? लेकिन मैं चाहता हूँ फॉर्मूला है ना, नीचे तक पेस्ट कर देता हूँ मैं, तो एरर आ गया। एक्सेल के अंदर में किसी भी सेल को आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, अगर जीरो से डिवाइड करते हैं तो एरर आएगा। ये सिंपल सी बात है ना सर, कि अगर आप यहाँ पे कोई डेटा नहीं रखेंगे तो एरर आएगा ही आएगा, समझ गया? और मैं चाहता हूँ कि ये एरर ना आए, यहाँ पे ब्लैंक आ जाए या जीरो आ जाए, तो उस केस में हम इफ एरर का इस्तेमाल करते हैं, कि हम कैलकुलेशन को इफ एरर के फर्स्ट पार्ट में रख देते हैं। इफ एरर के दो पार्ट होता है, वैल्यूज एंड इफ वैल्यू इफ एरर, मतलब कि एक जो कैलकुलेशन थी हमने उसको फर्स्ट पार्ट में रख दिया, और दूसरे पार्ट में हमने क्या कर दिया, जो एरर के जगह पे मतलब जो हैश डी आई हुई है इसके जगह पे मुझे चाहिए वो डाल दिया, तो मैंने जस्ट ब्लैंक कर दिया। हमने नोड को वहां ओपन किया, क्लोज किया, तो ब्लैंक शो कर देगा। तो जो भी फॉर्मूला, जैसे वी लुकअप है, मैच है, कोई भी फॉर्मूला है जो आपको लगता है कि वो एरर देगा और एरर उसका जेन्युइन है, जैसे कि यहां पे एरर जेन्युइन है ना, तो उस केस में आप क्या कीजिएगा, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इफ एरर का, समझ गए? कोई डाउट सर? नहीं सर। चलिए अब हम बात कर रहे हैं एंड पे, हम थे तो एंड पे, एंड समझ में आ गया ना। अब बात करते हैं और का। जैसे मेरे पास डेज लिखे हुए हैं जो कि संडे मंडे इस तरह से है, डेज लिखे हुए हैं। अब मुझे यहां पे ऑफिस का स्टेटस देना है। अब मेरा काम, मेरा ये है कि अगर मेरा ऑफिस, अगर मेरा डेज अगर सैटरडे और संडे हुआ, सैटरडे संडे हुआ, तो ऑफिस यहाँ पे हमारा ऑफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑफ होना चाहिए, या डब्लू डब्लू पिक ऑफ, डब्लू ओ कर दे। बाकी मंडे टू फ्राइडे में मेरा ओपन होना चाहिए, सिंपल सा। तो यहां हम लगाएंगे फॉर्मूला ऑफ का, क्योंकि इफ का दे नहीं सकते, क्योंकि एक इफ एक कंडीशन, और अभी हमने नेस्टेड इफ सीखी नहीं है, तो इसलिए उस पर जाएंगे नहीं। तो यहां पे हम लगाएंगे फॉर्मूला और का, और में हम इसको से, अब प्रॉब्लम ये है कि एंड क्यों नहीं लगाया। जैसे मैं बताया कि एंड का यूज होता है जब कंडीशन रिक्वायर्ड हो, मतलब सारे कंडीशन होने के बाद रिजल्ट देना, जैसे कि यहाँ कि ग्रेटर देन 50 और लेस देन 80 दोनों होगा तब रिजल्ट दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा, समझ गए? बट यहां पे दोनों होना पॉसिबल नहीं है, कि एक सेल पे सैटरडे होगा या संडे होगा, दोनों हो ही नहीं सकता। तो यहां पे हम एंड नहीं लगाएंगे, यहां क्या लगाएंगे? और लगाएंगे। तो यहां पे इक्वल, अब एंड सैटरडे संडे तो टेक्स्ट है, इसलिए इसको डालेंगे इन्वर्टेड कॉमा में, सैटरडे फिर इसको इक्वल टू संडे, ठीक है, सैटरडे एंड संडे, और नीचे की तरफ इसको हम ड्रैग करते हैं,
तो रिजल्ट जैसे कि एन ने दिया था ट्रू फॉल्स, ऐसे ही आपके और ने भी ट्रू फॉल्स दे दिया। तो यहां हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे और यहां पे दे देंगे, या ऊपर देखिए यहां पर, यहां दे देंगे हम डब्ल्यू ओ अदरवाइज ओपन, और नीचे की तरफ ड्रैग कर, राइट। अब क्वेश्चन आता है कि जो दो दो कंडीशन हमने यूज किया, अगर दो से ज्यादा हो कंडीशन, तब जैसे मैंने छोटा सा डेटा बनाया कुछ नेम ऑफ लिस्ट का, और इनके तीन पेपर का मान लीजिए एग्जाम हुआ हुआ है, सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू एंड सब्जेक्ट थ्री, और मुझे यहां पे रिजल्ट शो करना है। अब रिजल्ट में है कि सारे तीनों सब्जेक्ट के अंदर रिजल्ट जो है 30 से ऊपर होना चाहिए, अगर 30 से ऊपर है तो रिजल्ट आएगा पास, अदरवाइज आएगा फेल। तो यहां लगाएंगे फॉर्मूला इफ का, तो नहीं लगेगा क्योंकि इफ में तीन कंडीशंस है, तो यहां हम एंड का, क्योंकि यहां पे सारे सब्जेक्ट में 30 से ऊपर होना चाहिए, किसी एक में भी 30 से नीचे है तो बंदा भाई फेल होगा, ठीक है। तो एंड में हम तीनों कंडीशन दे देंगे कि दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, दैट इज 30 और 30 से ऊपर है, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 30। तो ऐसे आप मोर देन माने कि दो से भी ज्यादा कंडीशन इसी तरह से डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कंडीशन सारे रिक्वायर्ड होने चाहिए। रिजल्ट आपके सामने आया ट्रू एंड फॉल्स में, तो ट्रू एक ट्रू यहां पे बंदा पास था, एक यहां पास था, बाकी सब तो फेल ही है। मान लीजिए मैं इसको पास करा देता हूं 81 और 91, तो अभी ट्रू आ गया। अब पास और फेल के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इफ का फॉर्मूला लगाएंगे और यहां लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में पास, क्योंकि टेक्स्ट है इसलिए, और फेल। समझ गए, ऐसे 4-5-6 कंडीशन में ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे। अब मान लीजिए इसी तरह से मेरे पास आईडी प्रूफ जमा करने का रिक्वेस्ट आया हुआ है, ठीक है। तो आईडी प्रूफ में हमें क्या क्या चाहिए, हमें पैन नंबर चाहिए, हमें डीएल चाहिए, डीएल दिल्ली हो गया, डीएल चाहिए, और हमें यहाँ पे वोट डीएल पासपोर्ट चाहिए, या यूआईडी कर देते हैं, यूआईडी। अब मुझे यहाँ पे स्टेटस में ओके या पेंडिंग लिखना है। अब इसमें वाई है कि अब कोई बंदा एक जमा कर सकता है, कोई बंदा एक या एक से ज्यादा जमा कर सकता है। अब क्वेश्चन यहाँ है कि अब जरूरी नहीं है कि तीनों में से तीनों जमा किया होगा, कोई एक भी कर सकता है और दो भी कर सकता है, या हो सकता है कि तीनों कर सकता है। तो बस मुझे ये चेक करना है कि किसी एक में भी अगर वाई लगा है, मतलब उसने अपना डॉक्यूमेंटेशन में आईडी प्रूफ का डॉक्यूमेंटेशन जमा कर दिए हुए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे और लगाएंगे, क्योंकि सारे चेक करना नहीं है, कोई एक चेक कर होना चाहिए। तो और क्या करेगा, अगर उसको कोई एक भी मिल जाता है तो क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। तो वन बाय वन दे देते हैं, क्योंकि वाई है इसलिए इन्वर्टेड कॉमा में देना होगा, क्योंकि टेक्स्ट है, और नीचे की तरफ एंटर मार दिए और रिजल्ट ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स में आ जाएगा। अब इस ट्रू फॉल्स को ओके पेंडिंग जैसे वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए हम आगे इफ लगा देते हैं और बाद में जाते हैं कर देते हैं ओके और पेंडिंग, सिंपल रिजल्ट इस तरह से। लेकिन अगर कंडीशन चेंज हुआ तो, जैसे
बैंक बोल रही है भैया आपको पैन नंबर तो देना ही होगा, पैन के अलावा इन दोनों में से कोई एक दे दीजिए, मतलब कि मुझे चाहिए दो आईडी प्रूफ जिसमें से पैन तो होना ही चाहिए, पैन के अलावा कोई एक और दे दीजिए। अब इसमें मेरे पास दोनों कंडीशन हो गई कि पैन रिक्वायर्ड भी है और बाकी ऑप्शनल है, तो ऐसे केसेस में हम एंड और दोनों यूज करते हैं। तो एंड के अंदर में हम डालेंगे जो कि चाहिए ही चाहिए, रिक्वायर्ड है, और दोनों से कोई एक दे दो, वो और के अंदर में डाल देंगे, और जो होगा एंड के अंदर में। सिंपल सा रिजल्ट टू फॉल्स में आएगा, ये ट्रू आया क्योंकि तो इसमें दिया हुआ था, ये दिया हुआ था ट्रू आया, बाकी देखिए फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो इसमें भी आगे इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं। गया। हाँ क्या फॉर्मूला, मतलब इसमें ट्रू फॉल्स आ गया, इसका आगे इफ लगा दीजिए और इफ के भी यहाँ पे जो लेना है ले लीजिए कॉमा करके, ठीक है। समझ गए, क्लियर है? तो आज आपने पढ़ा फॉर्मूला एंड और, एंड विद दो कंडीशंस और आल्सो दो कंडीशंस, और फिर हमने आपको एंड थ्री से ज्यादा कंडीशन कैसे लगाएंगे वो बताया आपको मैंने, और कभी बताया, फिर एंड और जब कंबाइन होगा तो कैसे लगाएंगे, ठीक है सर? सबको समझ में आया? हाँ जी अब समझ में आया तो आप लोग, क्योंकि आर्टिकल में मैंने चीजें सब चीज बता पढ़ाई हुई है, आर्टिकल में आपने देखा होगा, तो देखा होगा सारी चीजें थी उसमें, तो आप मुझे कम से कम 8 से 10 एग्जाम्पल बना के भेजिए, फिर कल हम नेस्टेड इफ के बारे में बात करेंगे कि अगर एंड ना लगाया और ना लगाया तो फिर इफ से कैसे करेंगे, मतलब एक इफ के अंदर दूसरा इफ, उसके अंदर तीसरा इफ, उसके अंदर चौथा इफ कैसे लगाएंगे, ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। और कल की क्लास के बाद परसों होगा एक टेस्ट इफ कंडीशंस का, इसलिए ठीक है प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए।